व्हाट्सअप माई टू फैमिली फिर न्यू मैंने में पवन यूडी खत्री सुनो आपका भाई बताने वाला है पांच ऐसी समर स्किन के टिप्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो समर के मौसम में हम लोगों की स्किन पे बहुत टाइप की प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग की फेस पे टैनिंग होती है, पिंपल होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, फेस में डलनेस बहुत ज़्यादा आती है, आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो इस वीडियो में आपका भाई यही बताने वाला है समर के मौसम में आपको अपने फेस पे क्या क्या लगाना है जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, सबके सब पॉइंट बहुत काम के हैं, आपने एक को भी छोड़ा तो आपको जाके बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने से पहले आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मुझे फर्स्ट टाइम देखा है भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा देना। ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो पसंद आए तभी कीजिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है गुलाब जल। देखो आपको सोने से पहले एंड उठने के बाद, जैसे ये मुंह धोते हो ना उठने के बाद, उससे भी पहले अपने फेस पे गुलाब जल से आपके फेस में जो गंदगी होती है उसको हटाना है। आपको गुलाब जल लगाना नहीं है, आप गलती मत कीजिएगा, आपको गुलाब जल एक कॉटन के कपड़े से लेकर जो भी आपके पास हो उससे अपनी फेस में गंदगी होती है उसको हटाना है। यानी कि सोने से जस्ट पहले उठने के जस्ट बाद आपको ये काम जरूर कीजिएगा, इस समर के मौसम में आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको एक होममेड फेस पैक बनाना है, उसको आपको हफ्ते में एक टाइम ही लगाना है। आपको इसमें आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच के अप्रॉक्स या 2.5 चम्मच के अप्रॉक्स, डिपेंड कि आपका फेस का साइज कितना है। एंड उसमें आपको आधा चम्मच बेसन डालना है, गुलाब जल के साथ मिला के पेस्ट बनाना है। इस फेस पैक को आपको हफ्ते में सिर्फ एक टाइम लगाना है, 2 या 3 टाइम नहीं, सिर्फ एक टाइम लगाओगे आपके लिए इनफ होगा। ये फेस पैक बहुत ज्यादा काम आता है, ये फेस पैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, स्पेशली आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो ये आपके लिए एकदम अमृत वाला फेस पैक है। बहुत जल्दी आपके फेस में जो दिक्कतें हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है डीप हाइड्रेशन। देखो क्या होता है, आपकी फेस में आपकी स्किन पे हाइड्रेशन लेवल कम होता है तो आपकी स्किन को सिग्नल मिलता है कि वहाँ पे ऑयल की कमी है, तो वहाँ पे सीरम का अमाउंट ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे पिंपल और इन सब की जो प्रॉब्लम होती है समर के मौसम में वो ज्यादा होती है। तो आपकी स्किन पे हाइड्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो मैं खुद काफी टाइम से अपने फेस पे लगा रहा हूँ, मुझे इसका बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट अपने फेस पे मिला हुआ है। तो देखो लॉरिया पैरिस का हाइलुरोनिक एसिड फ्रेश मिक्स सीरम मास्क आता है जो आपके फेस के लिए, आपके फेस की डीप हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा काम का होता है, बहुत ज्यादा, जो आपके पास होना ही चाहिए। एक्चुअली में इसमें हाइलुरोनिक एसिड पड़ा होता है जिससे आपकी स्किन रेडिएंट होती है, प्लम्प होती है, एंड जिससे आपके फेस में डीप हाइड्रेशन मिलता है, जिससे आपके फेस में ग्लोइंग रेडिएंट लुक मिलता है देखने में। ये आपके बहुत ज्यादा काम की चीज होती है। इसमें जो हाइलुरोनिक एसिड पड़ा होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, जो डर्मोलॉजिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा वो भी रिकमेंड करेंगे आपको उनके पास जाओगे तो हाइड्रेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। इसके अलावा सबसे मेन पॉइंट इसमें जो शीट मास्क पड़ा हुआ होता है वो ड्राई होता है, यानी कि आपको ताज़ा एकदम फ्रेश मिलता है शीट मास्क। इसमें बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, जिसका पैक होता है आपको 2 लाइनें इसमें मिलेंगी, उस तरीके से आपको इसमें फोल्ड किया जाता है एंड एक साइड से दबाया जाता है, जहाँ पर सीरम होता है एक साइड होता है ड्राई मास्क। तो जहाँ पर सीरम होता है उस साइड से आपको उसको दबाना होता है, तो जो सीरम होता है वहाँ से जो ड्राई मास्क होता है वहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इससे आपको फ्रेश मास्क मिलता है मिलने में। तो जो फ्रेश मास्क होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, इसका एक बेनिफिट पॉइंट है, सबसे एक मेन पॉइंट इसका यही है। एंड इसका जो ड्राई मास्क होता है एल्गा एक्सट्रैक्ट से बना हुआ होता है, जो आपकी स्किन में ज्यादा डीप हाइड्रेशन मिलती है, आपकी स्किन में 20 टाइम्स ज्यादा आपको हाइड्रेशन मिलता है बाकी के कंपैरिजन में। लगाने का इसका सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से इसको दबा के शिफ्ट किया जाता है सीरम, उसके बाद निकाल के अपने फेस पे अच्छे से लगाया जाता है, 15 मिनट बाद आपको उसको अपने फेस से हटा देना है। चाहो तो वहां पर सर्कुलर मोशन मसाज कीजिएगा, चलेगा आपके ऊपर, मैंने आप बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन देख सकते हो, आपके फेस में अच्छा खासा बेटर लुक आपको दिख रहा होगा। इसको आप वीक में 2 टाइम लगा सकते हो, इसका जो प्राइस है 199 रुपीज़ है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ चीज़ है। तो आपको उसको मंगाना हो जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा, मैं सबके लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से मंगा सकते हो। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है सनस्क्रीन। देखो अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से आपको कन्फ्यूजन होता है कौन सी सनस्क्रीन लगाए, तो ये फोटो आपको दिखा दी है, इसके हिसाब से आप मंगा सकते हो सनस्क्रीन, और 25 से 30 SPF के बीच में होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। सनस्क्रीन लगाते टाइम एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि जब सनस्क्रीन लगाते हो ना अपनी स्किन पे तो क्या होता है, कई टाइम पसीना आता है तो सनस्क्रीन निकल जाती है, तो प्लीज़ अपने बैग में उसको डालिएगा, पसीना आता है वहाँ से निकल जाती है सनस्क्रीन, उसको दोबारा लगा के अपने हाथों में या फिर जहाँ जहाँ आपको टैनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो सनस्क्रीन समर के मौसम में भाई एक नहीं, मैं कहता हूँ 2 मंगा लो खत्म हो जाएगी। पता है मैं मंथ में 2 लगा डालता हूँ 3 लगा डालता हूँ, लेकिन सनस्क्रीन आपके पास होनी चाहिए। एंड ट्राई कीजिएगा निकलते घर से बाहर तो अपने जो हाफ होते हैं अपनी स्लीव होती हैं उसका पूरा फुल पहनिएगा, ताकि आपके हाथों में टैनिंग ना हो। हम लड़कों के हाथों में टैनिंग बहुत जल्दी होती है, नेक पे टैनिंग बहुत जल्दी होती है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना है। यहाँ पे अगला पॉइंट आता है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, टोमेटो। टोमेटो अपने फेस पर लगा सकते हो, मैंने पास की बहुत वीडियोस में बताया हुआ है। टोमेटो को आप खाइए भी ज़्यादा लेमन के साथ, जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके फेस में ग्लो बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी, एंड जो आपके फेस में प्रॉब्लम होती है समर की वो फ्यूचर में जाके आपको नहीं होगी। प्लीज़ इसको अपने डाइट में एड ऑन कीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है, फेस पर भी लगा सकते हो टोमेटो, बहुत काम की चीज़ है, मैंने पास की वीडियोस में आपको बताया हुआ है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चाहो मैं इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा, आपका मन है तो फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे आईडी बन के आ जाएगी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।